सो फाइनली गाइस वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, एंड उस घड़ी का नाम है फ्री फायर अनबैन। जी हाँ दोस्तों, फ्री फायर अनबैन को लेकर मुझे कुछ न्यूज़ पता चली है, कुछ आर्टिकल्स ऐसे आर्टिकल्स मिले हैं जिसको देखने के बाद गाइस आप लोगों को मतलब बोलना ही पड़ेगा भाई, ये जो बंदा बोल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, एंड हम लोग उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। आप लोग ये बोलने वाले हो तो भाई कौन सा ऐसा आर्टिकल मेरे हाथ लग चुका है, कौन से न्यूज़ में आपको बताने वाला हूँ, वो सब कुछ आप लोग इस वीडियो में पता लगने वाली है। एंड हर बाकी तक इस वीडियो एंड में आप लोग कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरुआत होगी से मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, बस वीडियो पूरा एंड देख लेना क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि फ्री फायर की बात हो रही है। तो प्लीज से भाई ये वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं, तो जैसे कि आपको बताया भाई फ्री फायर तो बैन हो चुका है भाई, मुझे पता है आप लोगों को पता है क्योंकि यहां पर सारी की सारी न्यूज निकल के आ चुकी है भाई। आज तक का जो बड़ा न्यूज चैनल उन लोगों को बता दिया, एंड फ्री फायर के यहां पर जो हमारी जितनी भी चैनल्स है बैन हुए उनकी भी अब लिस्ट आ चुकी है, उसके अंदर हमारा फ्री फायर भी है। ये आप लोगों को बताया, मैंने बता दिया आप लोगों पिछली वीडियो के अंदर। बट गाइस मुझे यहाँ पे एक ऐसा आर्टिकल मिला जिसको देखने के बाद गाइस आप लोग मतलब पूरे शॉक में आने वाले हो। तो गाइस आप लोगों को पता होगा भाई यूट्यूब पे फैक्टिक नाम का एक बहुत ही बड़ा यूट्यूब चैनल है, तो उन फैक्टिक भैया ने यहाँ पे एक आर्टिकल के बारे में बताया जिसको देखने के बाद गाइस आप लोग शॉक में आने वाले हो। तो वो आर्टिकल कौन सा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इस आर्टिकल के अंदर सिंपल वे में आपको बताऊँ तो सीधे से मतलब गाइस यहाँ पे ये लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे प्ले स्टोर के अंदर से फ्री फायर को रिमूव कर दिया गया है, बट फ्री फायर मैक्स प्ले स्टोर के अंदर है, एंड आईओएस का जो ऐप स्टोर है यानी कि आईफोन का जो ऐप स्टोर है उसके अंदर से फ्री फायर मैक्स एंड फ्री फायर को दोनों जो गेम है वो यहाँ पे रिमूव कर दिए गए हैं। एंड उसी के साथ कैसे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है भाई फ्री फायर को यहाँ पे टेम्परेली ब्लॉक कर दिया गया है, तो यानी कि टेम्परेली ब्लॉक किया है। एंड उसी के साथ गाइस यहाँ बताया जा रहा है भाई जो ये जो रिमूव करने की बात है प्ले स्टोर की, वो बात गई फ्री फायर को बता दी गई भाई यहाँ पे ऐसे सीन हो गया आपके साथ एंड ये प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया आपका गेम। तो ये बात गई फ्री फायर को पता चल चुकी है, फ्री फायर भी धकाधक लगी हुई है। प्रॉब्लम हुई है जो भी गलती हुई है फ्री फायर से, वो गलती अपनी सुधार रही है, उस चीज को वो मतलब इंप्रूव कर रही है, ठीक कर रही है। एंड गाइस मैं आप लोग बता दूं इस बात को अच्छे समझना, तो यहाँ पर प्ले स्टोर के अंदर से फ्री फायर को रिमूव कर दिया गया एंड ऐप स्टोर के अंदर से यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। बट गाइस जो फ्री फायर का सर्वर है वो अब भी यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि गाइस अगर फ्री फायर मान के चलो अगर अनबैन भी हो जाता बिल्कुल अच्छी तरह से, जैसे पबजी हो तो अनबैन बिल्कुल भी यहाँ पर चालू नहीं हो रहा था, जो जिन लोगों ने भी यहाँ पर गेम को ओपन किया बट गेम चालू होने का नाम नहीं लिया था। बट गाइस ये जो सीन हुआ पबजी के साथ वो सीन हमारे फ्री फायर के साथ नहीं हुआ है, फ्री फायर अब भी चल रहा है आप लोग बताओ होगा, और बिल्कुल अच्छे चल रहे जैसे पहले चलता था वैसे ही चल रहा है। यहाँ पर कोई भी एयरटेल का मतलब एयरटेल की जो सिम है उससे भी चल रहा है, और बाकी जितनी भी सिम है उससे भी यहाँ पे जो हमारा गेम है वो चला जा रहा है, आप लोगों को पता है एंड मुझे भी पता है। एंड उसी के साथ गाइस आप लोग एक चीज और सुन लो, यहाँ पर जो अभी मैंने आप लोगों को आर्टिकल दिखाया था तो उस आर्टिकल के अंदर यहाँ पर ये भी लिखा था फ्री फायर को टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि फ्री फायर को सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पर प्ले स्टोर से हटा दिया गया, कुछ टाइम के लिए यहाँ ब्लॉक कर दिया गया, कुछ टाइम के बाद ये फ्री फायर फिर से यहाँ पर चालू होने वाला है। एंड ये सीन गाइस क्यों हुआ, यानी कि फ्री फायर को परमानेंट क्यों नहीं बंद कर दिया गया, तो यार मैं आपको उसका छोटा सा एक रीजन पता चला वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो छोटा सा रीजन यहाँ पे ये है गाइस, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ रूल दिए होंगे फ्री फायर को, तो वो रूल गाइस यहाँ पे फ्री फायर ने फॉलो नहीं किए, तो इस चक्कर में जो है गवर्नमेंट ने उनको टेम्परेरी तो नहीं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए यहाँ पे बंद कर दिया गया फ्री फायर को, प्ले स्टोर से हटा दिया गया, जिससे गाइस वो रूल को मतलब फॉलो करें और जो भी दिक्कत हुई है यार उनकी तरफ से जो भी कुछ उन लोगों को मालूम है उस टाइप का सीन हुआ। तो आई होप गाइस आप लोग समझ रहे होंगे मैं आप लोग क्या समझाना चाहता हूँ, सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम हुई है, कोई बड़ा पहाड़ खड़ा नहीं हुआ है। एंड गाइस मैं जानता हूँ फिलहाल ये जो खबर थी आज तक का जो न्यूज़ है उसके अंदर भी आ गई, बट कैसे आ गई मुझे नहीं पता, बट जो मेन चीज़ थी वो उसके अंदर तो यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ टेम्परेरी हुआ है। और बात कर ले रहे हैं यहाँ पे अगर बैन भी हो गया लेकिन अनबैन कब होने वाला है भाई, कार्तिक भाई आप तो बता रहे हो भाई अनबैन होने वाला है लेकिन कब तक होने वाला है, टेम्परेरी बैन हुआ है कब तक हमारा गेम चालू हो जाएगा, तो इस मैं इसके थ्रू मैं आप लोग एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। तो इस यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमारा टॉप अप इवेंट आ चुका है गाइस, यहाँ पे अगर फ्री फायर बैन हो जाता है तो यहाँ पे हमारा टॉप अप वगैरह इवेंट वगैरह नहीं आता बिल्कुल भी। एंड गाइस पिछली बार की अगर आप लोग टॉप अप इवेंट की डेट देखोगे और अब की देखोगे तो उसके अंदर बहुत अंतर है। तो हमारे गाइस ये जो टॉप अप इवेंट आया है ये गाइस चलने वाला है अपना 3 मार्च तक, यानी कि पूरा 16-17 दिन तक जो यहाँ पे ये इवेंट चलने वाला है। एंड जितने भी टॉप अप इवेंट आए हमारे गेम के अंदर वो गाइस कम से कम 5-6 दिन तक चले हैं, यहाँ पे 7-8 दिन तक चले हैं, उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं चले, लेकिन ये जो हमारा जो इवेंट आया टॉप अप इवेंट वो 17 तारीख तक यानी 17 दिन तक हमारा जो है टॉप इवेंट चलने वाला। तो आप लोग सोच सकते हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ से यही है, यहाँ पे हो सकता है 15 दिन बाद हमारा जो प्रॉब्लम है जो भी इश्यूज हुए हैं वो सारे ठीक कर दिए जाए एंड मतलब जो भी प्रॉब्लम हो ठीक हो जाए अच्छे से मतलब जल्दी से जल्दी। और गाइस यार जहाँ से पहले मैं आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, तो गाइस पहली बात यहाँ पर ये है भाई आप लोग बताया फ्री फायर बैन तो हो गया लेकिन अनबैन भी होने वाला है, एंड फ्री फायर बैन को लेकर गाइस काफी सारी यहाँ फेक न्यूज आ रही है, काफी सारी फेक न्यूज भी आ रही है एंड रियल न्यूज भी आ रही है। बट गाइस आप लोगों को ये नहीं पता कौन सी
फेक है कौन सी रियल है। तो यार मैं आप लोगों को एक बार बता दूं भाई, किसी पे भी विश्वास मत करो। यहाँ पे जो फ्री फायर है जो वो बता दे रहा है वही आप समझ लेना, यानी फ्री फायर ने अगर बोल दिया अनबैन होने वाला है तो अनबैन ही होगा, अगर फ्री फायर ने बोले परमानेंट बैन है तो वही सब फ्री फायर मतलब बोलेगा ना जो भी, तो वो परमानेंटली बैन होगा। एंड जो भी कुछ फ्री फायर बोलेगा, जो भी कुछ मैं पता चल रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। और अगर फ्री फायर मतलब बैन भी हो जाना परमानेंट, तो यार आप लोग दुखी मत होना, क्योंकि यार गेम ही है, कोई आप लोगों की लाइफ नहीं है, कोई आप लोगों की फैमिली नहीं है। मैं मानता हूँ उसके अंदर हमारा टाइम पास होता था, बट गाइस क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने जो भी एक्शन लिया है वो हमारी सेफ्टी के लिए लिया है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता भाई। सेफ्टी के लिए लिया है, कुछ गलत काम नहीं किया है। और बस गाइस यार मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा, कुछ गलत कदम मत उठाना भाई, गेम है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, हो जाए बैन, बस आप लोग अपनी जिंदगी को सही रखना और बाकी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और गाइस जैसे ही मैं पता चला था फ्री फायर अनबैन होने वाला, तो मैं बहुत खुशी हो गई थी। और एंड गाइस आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है फ्री फायर बैन को लेकर, क्या सीन चल रहा है वो मैं जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में, आप लोग बताते नहीं हो, और जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी मैं बता देना कमेंट बॉक्स में। एंड जब तक गेम चल तब तक आप लोग गेम को एंजॉय करो, मजे करो, एंड लेट्स सी गाइस देखते हैं क्या होता है आगे चल के, क्या नहीं होता। जैसे जैसे मैं न्यूज़ मिलती जा रही है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। एंड न्यूज़ लेने के लिए, न्यूज़ जानने के लिए आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो भैया जल्दी से कर देना, भूलना मत। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और कुछ गलत कदम मत उठाना यार।